हाय फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं राखी का स्केच बनाने जा रही हूँ, और अगर आपको मेरी ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जाके मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आउटलाइन कैसे करते हैं। देखो, मैं कितनी धीरे धीरे आउटलाइन कर रही हूँ। पहले हेड की, अब इसका आप शोल्डर भी बना सकते हो। अब मैं इसके कपड़े की आउटलाइन कर रही हूँ। आप देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ। धीरे धीरे कर रही हूँ मैं आउटलाइन, और अगर गलत भी हो जाते तो आप मैं रबड़ से मिटा दे रही हूँ। अब मैं गर्ल की हेड बना रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। आप देखो, इसकी हेयर की आउटलाइन कर रही हूँ मैं। ऐसी स्लोली स्लोली ऐसे धीरे धीरे आउटलाइन में कर रही हूँ। इसके फ्रॉक की आउटलाइन मैंने कर दी। अगर आप सबको भी ऐसे ही स्केच बनाना है तो आप मेरा मेथड यूज कर सकते हो। और मैं डार्क करने के लिए पेंसिल अप्सरा की 10V पेंसिल यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैं इसके हेयर कैसे बना रही हूँ, ऐसे इसको डार्क करने के लिए इसके कपड़े। मैंने इसमें ब्लेंडिंग के लिए आई शेडो ब्रश यूज की हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, आई शेडो ब्रश का यूज कैसे करते हैं। आप देख ही रहे हो कि मैं इसको डार्क कैसे कर रही हूँ, और आई शेडो ब्रश का यूज कैसे कर रही हूँ, पेंसिल का यूज कैसे कर रही हूँ। इसके हेयर ऐसे सीधे 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 बस खींचते जाओ।
इसके कपड़ों को भी अगर आप चाहो तो अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अभी सिंपल तरीके से बनाने का बना के दिखाई हूँ, ताकि जिनको उतनी अच्छी स्केचिंग नहीं आती वो भी कर सकें। अगर आप चाहो तो कई तरीके से बना सकते हो और इसके कपड़े के डिज़ाइन भी अलग तरीके से बना सकते हो। मैंने तो अभी सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप चाहो तो इसको डार्क भी कर सकते हो। और मैं राखी बनाने जा रही हूँ। राखी के डिज़ाइन अगर आप चाहो तो कई तरीके से बना सकते हो, लेकिन अभी मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से बनाई हूँ फूल वाली। आप इसको बस ऐसे स्लोली स्लोली बनाते रहो, धीरे धीरे बन जाएगी। और मैं अब इसको आप अगर चाहो तो कई तरीके से बना सकते हो डिजाइन। मैं अब पत्ते बना रही हूँ, देखो आप राखी का डिजाइन इसी सिंपल तरीके से। धीरे धीरे मैं थोड़ा यूनिक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी आउटलाइन देखो और इसकी लाइनिंग, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। मैं इसकी लाइनिंग कर रही हूँ, थोड़ा यूनिक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि राखी अच्छा बने देखने में। अब मैं इसकी लाइनिंग कर रही हूँ और पूरे पे लाइन करूँगी मैं धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा यूनिक बनाने की कोशिश करूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अब मैंने बना दी, अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो कई तरीके से बना सकते हो, मैं भी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो आप इसकी डोरी। मैं अब हैप्पी रक्षाबंधन लिखने जा रही हूँ। मैं हैप्पी रक्षाबंधन लिख रही हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन है ना, जाके देखने में अच्छा लगे ये थोड़ा सा स्केच।
और अगर आपको ये स्केच अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताते रहो कि आपको ये स्केच कैसा लगा, जाके मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और लाइक करना तो ना ही भूलें आप, और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह मैं स्टार बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो। मैं सिंपल तरीके से स्टार बना रही हूँ। अब मैं पूरे में स्टार बनाऊंगी। मैं इसका स्टार इसलिए बना रही हूँ ताकि इसका बैकग्राउंड ना देखने में अच्छा लगे, और कल रक्षाबंधन है इसीलिए। मैं अब ऐसे स्टार पूरे पे बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी, प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, और प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।